मेरा नाम राघवेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं मध्य प्रदेश भिंड का रहने वाला हूँ। मैं पुणे से शिरडी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, और जिस दोस्त से मिलने आया था उसका नाम विजय आदित्य सिंह है। उसने शिरडी में होटल बुक किया। मैं पुणे से सुबह 6 बजे वहाँ से निकला था और यहाँ पर शिरडी में 12:30-1 बजे आ गया था। उसने होटल पहले ही देख के रखा हुआ था। बाद में हम दोनों होटल में साथ में गए। मैंने एंट्री किया होटल में और हम लोग चेक इन किया, और उसके बाद 2 घंटे हम लोग रूम में ही थे। और थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम में गया और वो मेरा सारा सामान, मेरा लैपटॉप, कुछ रिंग्स थी और मेरा कैश लेकर के वो तुरंत गायब हो गया। मैंने तुरंत जैसे ही वॉशरूम से मैं बाहर आया, मैंने देखा कि उसका बैग और मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा मोबाइल ही वो छोड़ करके गया था। मैं तुरंत कपड़े पहना और मैं उसे ढूंढने के लिए भागा, लेकिन काफ़ी मैंने सर्च किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर पुलिस स्टेशन भी गया कंप्लेंट कराने के लिए। उस दिन तो मेरी कंप्लेंट लॉन्च नहीं की उन्होंने। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैंने S9 चैनल में बात की, और फिर उन्होंने जब मुझे वहाँ के DSP सर का नंबर दिया, फिर मेरी कंप्लेंट उन्होंने ले ली। मतलब मैं क्या बोलते इसको, FIR मैंने कर दी है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। वो जो आपने बोला है कि आपका फ्रेंड है, तो मतलब उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? सर मेरी फ्रेंडशिप एक्चुअली मेरे पास उसका ही मैसेज आया था व्हाट्सएप पर। उसके बाद मेरी कुछ दिन उसके साथ बात हुई फोन पर। उन्होंने अपने बिजनेस वगैरह के बारे में मुझे बताया, हालांकि मुझे पता नहीं वो रियल था या फेक, लेकिन बातों से मुझे भी नहीं लगा था कि वो बंदा मुझे इस तरह से बेवकूफ बना देगा। जब मैं यहाँ पे मिला और ये हादसा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो गलत हो गया है। तो आपका लैपटॉप का क्या कीमत है और कितना आपका नुकसान हुआ है? एक्चुअली लैपटॉप मेरा कंपनी का था, तो कंपनी को तो मुझे उसकी भरपाई करके देनी ही पड़ेगी। और जो मेरी रिंग थी उसकी कीमत कुछ 26,000 समथिंग है, और कुछ कैश था 2,500 रुपए। तो आपका क्या कहना है अभी पुलिस को? पुलिस को मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, और उसके जो नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं, तीनों व्हाट्सएप पर हैं। मॉर्निंग में एक नंबर पर मेरे मैसेजेस भी गए, बट उसके बाद फिर वो नंबर भी मैसेज जाना बंद हो गया, और उसके तीनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो कहां से था, ऐसा कुछ बोला था? उसने मुझे बताया था कि वो नवी मुंबई से है। तो अभी उसका फोन बंद है? हाँ, तीनों नंबर उसके बंद है। उसने मुझे कुछ फोटो भी भेजे थे अपने घर के, मुझे नहीं पता वो उसके घर के फोटो हैं या फेक फोटो हैं।